नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 2 बख्तावरपुर की बात करें तो निगम के चुनाव नजदीक है। ऐसे में जनता के विचार जानने की तो जनता का भी ये लगातार कहना है कि हमारे क्षेत्र में तमाम जो नालियां हैं वह साफ नहीं होती और गंदी रहती हैं और नालियों का पानी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर रहता है। लेकिन ऐसे में लगातार इस पूरे वार्ड में हर गांव का यही हाल देखने को मिल रहा है। वहीं निगम पार्षद सुनीता चौहान का भी पक्ष सामने है। उनका कहना है कि निगम ने अपने कार्यकाल में काफी काम किया है, नालियों की सफाई है वह भी कहना कि लगातार की है, लेकिन हर गांव में पानी की निकासी का समाधान यहां का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल एक ही PWD का नाल है जो कि कई गांव से होकर गुजरता है। बात करें हम पल्ला गांव से और हिरण की पुलिस चौकी लगभग 8 किलोमीटर तक केवल एक ही नाला PWD का है, जिसमें सभी गांव से पानी की निकासी उसी में है, लेकिन वह भी भरा रहता है और ठीक समय पर साफ नहीं किया जाता। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगी अनिल नाथ है। सर, आपके यहाँ पानी भरा हुआ है काफी, क्या कुछ समस्या है? समस्या तो बहुत बड़ी है जी। PW का ये नाला है, ये सारा ब्लॉक होया पड़ा है। चलिए, पीछे माजरे तक का पानी, इधर पल्ला का सारा पानी इसी जोड़ में आता है, क्योंकि कोई निकास है नहीं, जिस कारण से यहाँ मच्छर कितनी बीमारियां पनपती हैं किसी को कोई पता नहीं। आगे PWD का नाला है, क्या उसमें नहीं जाता पानी? उसमें कहाँ से जाएगा, जाम पड़े ब्लॉक हो पड़े हैं सारे नाले, कहाँ से निकास है? और ये नाला जब अब तो देख रहे हो तुम, ये तो कह रहे बरसात के दिनों में तो ये रोड के ऊपर पानी आ जाता है, गलियों में पीछे पानी भर जाता है। अच्छा, जाम के कारण। तो किस तरह आप अब यहाँ पे जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं? जीवन जाऊंगे कहाँ, जब मंदिर में महंत है, मंदिर की सेवा करते हैं। ये आपने देखा होगा शनि का मंदिर है, भैरव का, काली का, मैं इनका महंत हूँ, यहाँ पर सेवा करता हूँ। सारे मंदिर में इस पानी की जोड़ में पानी भरने के कारण से सारे मंदिर में त्रेड़ आ गया। मैं आपको त्रेड़ भी दिखा सकता हूँ। अब देखने को मिल रहा है कि जगह जगह गलियों में पानी भरा रहता है इस पूरे क्षेत्र में। हाँ जी, क्या कोई समस्या है या यही समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जब पानी निकलेगा तभी तो नालियों का पानी आएगा यहाँ पे। बिल्कुल, और आगे PW का नाला जब सफाई होगी तभी तो पानी कहीं जाएगा। पर पहली बात तो सारा पानी तो यही ब्लॉक हुआ है इस जोड़ में। अच्छा, जब यहाँ से कोई निकास होगा तभी तो आगे जाएगा, जब आगे की ये सारी सहूलियत मिलेगी तभी तो गलियों में पानी निकलना खत्म होगा, क्योंकि नालियों का पानी जब ये PW का पानी यहाँ से निकल जाएगा नाले से, तो फिर यहाँ भरने का ही ना पीछे गलियों में। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में सफाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या आती है कि बड़े नाले जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं उनसे पानी का निकासी नहीं होता। बड़े नाले रुके पड़े हैं और बड़े नालों में वो सफाई नहीं कराते। हम फोन कर करके थक जाते हैं पर उनको कानों में जू नहीं रेंगती। आप माजरा की हाल देख लो, माजरा पानी से भरा पड़ा है। आप तिगीपुर का हाल देख लो, तिगीपुर पानी से भरा पड़ा है। तिगीपुर में आप जमुना की तरफ जाते हैं तो देखना कि पानी के जो नाले हैं इनके भरे पड़े हैं और नाले पानी का निकास नहीं है। पूरे क्षेत्र में पानी का निकास कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर 7 साल हो गए केजरीवाल जी को, और 7 साल में जहाँ आप सीवर डालने की बात करते थे वहाँ जो हमारे पुराने गंदे पानी का निकास करने वाले बड़े नाले हैं उनको भी खोलने का काम नहीं किया है। आप त्रिवेणी कॉलोनी का हाल देख लो, त्रिवेणी कॉलोनी में हम सफाई करने की कोशिश करें तो पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास नहीं है तो आगे PWD का नाला टूटा पड़ा है। हम PWD के JEE को सबको फोन कर करके थक गए हैं पर उस नाले की रिपेयर कराने का काम उन्होंने नहीं किया है। सर, देखने में लगता है कि आज यहाँ पे आसपास के 10-12 गांव हैं उनमें केवल एक ही PWD का नाला है जो पल्ला से हिरणगी की तरफ जाता है, वो भी ब्लॉकेज पड़ा है, कई जगह से टूटा हुआ है। भाई साहब, आप ये जो हमारी कस्तूरबा गांधी मार्केट है जिसे गोल्ड मार्केट के बराबर सामने आप देखिए, पानी नालों से रिस रहा है, पानी ब्लॉकेज है सारे नाले। अरे भैया, तुम बात करते हो दिल्ली के विकास की और दिल्ली का जो विकास मॉडल है आप दिखाते हो पूरी दुनिया में, पंजाब में, यूपी में, गोवा में, पर दिल्ली का विकास मॉडल नहीं है, दिल्ली का विनाश मॉडल है। केजरीवाल जी ने यहाँ पर इतना बुरा हाल कर रखा है कि पानी का निकास ना होना, जल बोर्ड का पानी गंदा पीना, आप जल बोर्ड की स्थिति देख लेना, जल बोर्ड की स्थिति आप देख लो, कितना गंदा पानी आता है, कैसी हमारी जनता पानी पी रही है।
और उस पानी पीने से कैसी पेट की बीमारियां, हेपेटाइटिस बी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप पानी की बात कर रहे हैं, अभी मैंने देखा कि पल्ला में मोहल्ला क्लिनिक बात करते हैं, आप पल्ला में देख रहे हैं नशेडियों का अड्डा बना हुआ है, और तो तिकीपुर में भी एक मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, आप वहां पे भी देख लेना, डॉक्टर भी आता है तो आता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए आता है, नहीं तो मुझे लगता है कि कोई नर्स वगैरह या कोई कंप्यूटर वगैरह ही देखता हो, दवाइयों का भी बुरा हाल है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं राजनीति नहीं करता, राजनीति करना मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो बड़े नाले हैं, जो टूटे पड़े हैं, जो भरे पड़े हैं, आप उनको जरूर निकालें। आपने देखा होगा हमारे दो ट्रैक्टर चलते हैं पालाना संस्था द्वारा, पहले दिन से जब मैं निगम पार्षद बना था हमारे पे संसाधन की कमी थी, तो हमने फिर भी दो ट्रैक्टर पालाना संस्था के माध्यम से लगाए और घर घर कूड़ा उठाने का काम किया, एक रिक्शा भी लगाई हुई है ई रिक्शा, पर हम अपने सीमित संसाधनों के बाद भी एमसीडी काम कर रही है। अभी मैं देख रहा था कि हमारी MNCW जो डिस्पेंसरी है उसमें वैक्सीनेशन का काम पिछले 7 दिन से बंद है, वैक्सीनेशन कौन दे रहा है, मोदी जी दे रहे हैं, वैक्सीनेशन लगा कौन रहा है, हमारी ANM लगा रही है, उनको तो सिर्फ एक डॉक्टर देख देख के लिए बिठाना है, उसको बिठाने का काम है। आज मैंने DM मैडम को फोन भी किया है, SDM फोन नहीं उठा पाए, मैंने SDM को भी फोन किया था, हो सकता है किसी मीटिंग में हूं मैं हूं। आप कोरोना काल की बात करो, राशन मोदी सरकार ने दिया, बांटने का काम हमारी MCD कर रही है, आप एक बात बताओ, और उसको भी अच्छे तरीके से नहीं बांट रहे हैं। तो मैं तो केजरीवाल जी से यही कहना चाहूंगा, आप कहते तो हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, पर आप दिल्ली के मालिक होने के बाद दिल्ली की जनता की ना तो कोई सुनवाई करते हैं ना उनकी कोई बातें करते हैं। तो मैं तो दोबारा P24 ने जो ये मुहिम चलाई, तो मैं P24 का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने लोगों की सुनी और उन तक बात पहुंचाने